जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है? ठीक है आप साहब? आज आपको हम वाइट लाइनस दिखाते हैं। किसी की पालतू मर गई है तो उन्होंने फिर याद सार के तौर से स्टफ कराई है हमसे। आए आपको ये वाइट लाइनस है, ये किसी के फार्म की थी, ये उनसे एक्सपायर हो गई है। उन्होंने बच्चा पाला था तो ये अभी एज में आ गई, एक्सपायर हो गई है उनसे। उन्होंने कहा यहाँ जा के तौर पर इसको स्टफ किया जाए। इसको हमने इम्पोर्टेड मटेरियल में बनाया है, इसकी केस भी हमने इम्पोर्टेड बनाई है। तो ये आप देखते हैं थोड़ा, ये जो है ना ये पाकिस्तान में ज़रा कम है, तो ये बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से इम्पोर्ट कराते हैं वो। तो ये उन्होंने पास ब्रीड आई थी तो ये बच्चा उन्होंने पाला था, तो ये फिर बस वायरल हो गया हमसे। ये हमने उतरते पोज में बनाई है, ये इम्पोर्टेड है। इसकी बेस भी हमने इम्पोर्टेड बनाई है, बेस भी है, बेस देखते हैं आप। बेस भी हमने इम्पोर्टेड बनाई है, इसको जो फ्लावर पत्ते लगा दिए हैं हमने सारे, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी। ये इम्पोर्टेड मटेरियल में बने हैं, उसकी बेस भी जो है अच्छी बने और इम्पोर्ट। तो ये ज़रा नायाब नस्ल ठीक कह लें आप, इसको नायाब कह लें। वो वैराइटी ये वो लाइनस है, इधर से भी देखें, शहर से भी देखें, इसके आपको चारों तरफ से दिखाते हैं। साइज देखें आप, ये भी हमने इम्पोर्टेड लगाई है। ये उनकी रिक्वायर्ड थी कि ऐसे चलते पोज में, नीचे उतरते पोज में, क्योंकि ये भी छोटी है, जिसको 8 माह की है। ये भी पेन थी पर बस इसकी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। ये पूछे हैं इसका, आपको आल टू आल दिखाएं सारा। वाइट होते हैं तो वाइट मेरा मैला जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको केमिकल भी ज़रा अच्छा वाला लगाया ताकि इतनी जल्दी मैली ना हो। बाकी आपकी कमेंट करने चाहिए, बाकी आपको अच्छा लगे हमें कमेंट्स भी कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में हमें बता भी दिया करें कि आपको कैसी लगी है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आगे नेक्स्ट भी क्या करें। हमें जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। क्यों कुछ कहना था?